ओके दोस्तों, तो आज हम आपको कुछ ऐसे मजेदार टॉयज दिखाएंगे या फिर छोटे गाड़ी दिखाएंगे या फिर कार्स दिखाएंगे जो बच्चों को जो है काफी अमेजिंग लगे या फिर जो बड़े भी उनके साथ जो है खेल सकते हैं या फिर जिसको एक्चुअली में चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मॉडल्स काफी अच्छे छोटे मॉडल्स है बट चला सकते हैं, एक्चुअली सही में काम करता है पूरा ओरिजिनल मॉडल्स की तरह गाड़ी के द्वारा। तो डशन के साथ पूरे डशन से इस वीडियो को देखिए और एक एक करके जो है कार है देख लीजिए क्या कुछ है। ओके दोस्तों, ये जो देख रहे हो इसका नाम है लुइस मिनी बोट। जी हाँ दोस्तों, ये जो है बड़े बोट का एक छोटा रेप्लिका है। इसको जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन कंपनी लुइस ने बनाया है। तो ये जो है एक बड़े बोट का छोटा रेप्लिका है, मतलब छोटा कॉपी है। और ये जो है गैस से चलता है। जी हाँ दोस्तों, ये गैस से चलता है और इसमें जो है 26 मतलब 26 सीसी का दो साइलेंसर पाइप वाला इंजन है। तो ये उतना तेजी से नहीं चलेगा और ये एलुमिनियम का बॉडी है तो काफ़ी अच्छा है। इसमें बच्चों के लिए स्पेशली इसको बनाया गया है ताकि बच्चे जो है यहाँ पे जो है बोटिंग करना सीख सके, तो इसके लिए बेस्ट है। ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने बनाया तो ये कंपनी जो है महारत हासिल है इसको ये बोट बनाने में। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कि बच्चों के लिए ऐसा बोट होना चाहिए कि नहीं इंडिया में? हालांकि इसको खरीद नहीं सकते, इसको घर पे बनाना पड़ता है, इसको टोटली घर में ही बनाया है। तो अगर आप एक फादर हो तो अगर आप अपने बच्चे को गिफ्ट देना चाहते हो तो ये बेस्ट होगा। नेक्स्ट जो गैजेट है या फिर कार है छोटा मिनी, देख लीजिए यहाँ पे क्या कुछ है एक बार फिर से। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसका नाम है BTGC 36 वोल्ट डोमेन लिथियम इलेक्ट्रिक ड्रिट बाइक। जी हाँ दोस्तों, अगर बच्चों को जो है गार्डनिंग में खेलना है या फिर जो है बाइक वगैरह चलाना तो उसके लिए बेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो है 36 वोल्ट का जो है 500 वाट का एक जो है इलेक्ट्रिक बाइक है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है आगे और पीछे सस्पेंशन है और सामने और पीछे जो है मतलब ब्रेक है, एक्सेलेटर, गियर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। एक नॉर्मल बाइक में जो होता है सब यहाँ पे मिलेगा। और इसमें लिथियम आयरन बैटरी है, बच्चों के लिए बनाया गया है। तो इसका मैक्सिमम स्पीड जो है 14 माइल्स पर आवर है, तो उतना ज़्यादा भी नहीं है। और इसका रेंज जो है 10 किलोमीटर है। हालांकि इसमें जो 150 पाउंड का एक इंसान भी बड़ा इंसान भी बैठ सकता है, तो स्पीड भी काफ़ी अच्छा है। मेक श्योर कि अगर बच्चे को दे रहे हो तो हेलमेट जो है उसको पहन के मतलब पहना के दीजिए या फिर सेफ्टी उसका पूरा ध्यान रखिए क्योंकि बाइक का स्पीड काफ़ी अच्छा है। हालांकि ये बच्चों के लिए ही बनाया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना, वहाँ से इस अमेजिंग बाइक को आप उसको गिफ्ट के तौर पर दे सकते हो। नेक्स्ट जो मिनी टॉय है बच्चों के लिए, देख लीजिए यहाँ पे क्या कुछ है। ओके दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो इसका नाम है पावर व्हील्स वाइल्ड थिंग्स। जी हाँ दोस्तों, स्पेशली बच्चों के लिए ये इलेक्ट्रिक कार है। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा सा आप देख सकते हो बट बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही फन है बच्चों के लिए। कैसे मैं बताता हूँ, आप देख सकते हो इसमें जो है बच्चे जो है इसके साथ जो पूरा खेल सकते हो और जो है ऑफ रोडिंग कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके। इसमें बहुत बड़े बड़े टायर्स है और इसमें जो है डुअल जॉयस्टिक है, मतलब डुअल कंट्रोलर है। दोनों साइड से जो है बच्चे कंट्रोल कर सकते हैं इसको। और इसका जो टॉप स्पीड है मैक्सिमम 1 घंटे पे 5 माइल तक जा सकता है, 5 माइल्स पर आवर की स्पीड है। आप देख सकते हो इसका बैटरी से पावर्ड है, आप इसको चार्ज दे सकते हो। बच्चे जो बहुत अच्छे से इसको कंट्रोल कर पाएंगे इजीली और ये ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसका जो बाकी कंपटीटर है वो इस तरीके का काम नहीं कर पाता, तो ये बच्चों के लिए वन ऑफ द बेस्ट गैजेट मैं बोलूँगा उनकी फन के लिए। 360 रोटेट हो सकता है और क्या चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट जो टॉय है मिनी गैजेट, देख लीजिए क्या कुछ है यहाँ पे एक बार फिर से। ओके दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो इसका नाम है बुगाटी बेबी 2। जी हाँ दोस्तों, बुगाटी जो वर्ल्ड फेमस जो सबसे स्पीड कार में से एक माना जाता है, तो ये जो है 535 जो बुगाटी का ओरिजिनल मॉडल था 1970s का, उसका छोटा सा एक रेप्लिका है। जी हाँ दोस्तों, आप बुगाटी जो है ये बेबी 2 आप अपने बच्चे को दे सकते हो, एकदम सेम टू सेम जो है बड़े गाड़ी की तरह है। और ये जो है इलेक्ट्रिक कार है और इसमें जो है लिथियम आयरन बैटरी है और बैटरी को आप जो है निकाल सकते हो, रिमूवेबल बैटरी है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें दो वेरियंट में आता है, एक किलोवाट का जो है इंजन है जिससे जो आप 12 माइल पर आवर की स्पीड से जा सकते हो, और एक जो है 4 किलोवाट का जिससे जो है 20 माइल्स पर आवर की स्पीड से जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो ये दो वेरिएंट में आता है। तो अगर बच्चों को दे रहे हो तो 1 किलोवाट वाला ही दीजिए। और यहाँ पे जो आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो यानी कि स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हो, तो ये थोड़ा सावधान और सतर्क रहिएगा स्पेशली जब बच्चों को दे रहे हो। तो 1 किलोवाट वाला ही मैं सजेस्ट करूंगा। अगर बड़ों के लिए ले रहे हो तो 4 किलोवाट वाला ले सकते हो, तो 28 माइल पर आवर तक जा सकते हो। तो बुगाटी का ये शानदार जो कार था 90s के दौरान, तो आप इसको अभी खरीद सकते हो इसके छोटे रेप्लिका को। नेक्स्ट जो मिनी कार है, देख लीजिए क्या कुछ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो इसका नाम है मिनी कैट डोजर। जी हाँ दोस्तों, ये बुलडोजर होता है ना उसका जो छोटा वर्जन आप देख सकते हो। अगर बच्चों को जो है इंजीनियरिंग में सिखाना चाहते हो तो ये बहुत ही हेल्पफुल गैजेट होगा। कैसे मैं बताता हूँ, ये छोटा है दिखने में बट इसके पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो इससे जो है आगे पीछे ले जा सकते हो बर्फ वगैरह या फिर धूल मिट्टी जो बाली वगैरह है उसको आप हटा सकते हो। तो 105 हॉर्स पावर का है। जी हाँ दोस्तों, 105
हॉर्स पावर का है तो काफ़ी पावरफुल आप इसको मान सकते हो। और ये घर का छोटा मोटा काम, रोड वगैरह बनाना, छोटे मोटे गार्डनिंग वगैरह या फिर बालू पत्थर वगैरह को हटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम में आता है, स्पेशली बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी बनाया गया है। तो आप देख ही सकते हो किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, आगे पीछे रिवर्स हर वो काम करा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट जो मिनी गैजेट है या फिर मिनी कार है, देख लीजिए यहाँ पे क्या कुछ एक बार। ओके दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो इसका नाम है गेकेन स्नो। स्पेशली बर्फ में अगर आप अपने बच्चे को जो है फन कराना चाहते हो तो ये बेस्ट होगा। जम्मू कश्मीर मनाली शिपिंग वगैरह हो तो ये बेस्ट मैं गैजेट बोलूँगा बच्चों को, या फिर बड़े भी इसको चला सकते हो। तो इसमें देख सकते हो एक ट्रायंगुलर शेप जो टायर है जिसकी मदद से आसानी से बर्फ वगैरह में इसको चलाया जा सकता है। फ्रंट में इसका प्लास्टिक और जो है फाइबर से बनाया गया है, बहुत ही ठोस है। और इसमें जो है इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी है और फ्यूल वगैरह का लिए भी सब कुछ दिया गया है। मतलब हर बर्फ में चलने के लिए जो मैकेनिज्म चाहिए इसमें हर वो चीज़ आप देख सकते हो। ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग वगैरह, उसके बाद जो है मैन्यूवर वगैरह, जो सॉकेट वगैरह होता है, ग्रिप वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाता है। बैक रिवर्स गियर, फ्रंट गियर सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो बेस्ट गैजेट मैं बोलूँगा बच्चों के फन के लिए। क्या ख्याल है, कॉमेंट पे है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, कॉमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे हो तो फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका, थैंक यू।